शहर से आ रही है, बुलंदशहर से खबर आ रही है, नाबालिग छात्र को दबंगों ने पीटा है। गैर समुदाय के दबंग लोगों ने बेरहमी से पिटाई की है। खेत में चारा चराने के आरोप में दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा है। दबंगों की पिटाई से छात्र की हालत गंभीर। दबंगों की पिटाई से छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें हैं जो नाबालिग है जिसे दबंगों द्वारा पीटा गया है। बुलंदशहर का ये मामला आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़ गए हैं। अनिल, क्या वजह है कि दबंगों ने नाबालिग की इस बेरहमी से पिटाई की है? जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के अच्छे घाट गांव का मामला है, जहां एक नाबालिग बच्चे को दबंगों ने जिस तरह से बेरहमी से पीटा हुआ एक हैरान कर देने वाली बात है। जहां और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की कार्यशैली पे भी, खुर्जा देहात की पुलिस की कार्यशैली पे भी सवालिया निशान उड़े, क्योंकि दबंगों के कहने के उसके बाद जो शायद पुलिस दबंगों से डरी हुई मान सकते हैं कि वो कहे, जो उस बच्चे की रिपोर्ट तक नहीं पुलिस ने ली है और जो बच्चा है वो SSP के पास जनपद बुलंदशहर पहुंचा है और उसने SSP के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। तो जो नाबालिग बच्चा है उसने जो अपीति बताई है, उन्होंने उसका कहना यह है कि मैं खेत पे चारा लेने गया था और चारा लेकर चलते मैं आ रहा था तो दबंगों ने बिना बात के मुझे मारा है। और देखिए ऐसी तस्वीरें लगातार आती रहती है दबंगों के, जिस तरह से नाबालिग बच्चों पर दलितों और कमजोर अनिल जो दबंग है वो दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये जो बच्चा है दूसरे समुदाय का है, जो दलित समाज से बच्चा बताया है और जो दबंग है वो ठाकुर समाज से बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरह से बच्चे के साथ दबंगों ने। पुलिस का क्या कुछ कहना है, पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी दबंगों के खिलाफ? जी अगर पुलिस की बात करें तो हमारी अधिकारियों से फोन पर बात हुई है, तो अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, किसी भी कीमत पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस का कहना है जो भी आरोपी है बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर का मामला आपको बता रहे हैं जहां नाबालिग को दबंगों ने बेरहमी